सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आरओ वाटर सपोर्ट को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, यू आर वेलकम इन आरओ वाटर सपोर्ट चैनल। देखिए आपके सामने एक अभी ये डिजिटल मल्टीमीटर है और आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है। और ये जो डिजिटल मीटर है इसमें थोड़ी सी सावधानी रखना पड़ता है कि जिस टाइम में आप को अगर इसका अगर वोल्ट सप्लाई मतलब कितना एसी वोल्टेज दे रहा है अगर उसको चेक करना है, उस स्थिति में यदि आप इधर जो डीसी के का जो रेंज है ना अगर इसमें ला करके चेंज करेंगे तो हो सकता है कि ये मीटर ख़राब हो जाए, या जो ये ओम का रेंज है उस स्थिति में भी आपका मीटर ख़राब हो सकता है। और ये जो आपका जो कंटिन्यूटी चेक करने का जो रेंज है अगर इस पर भी ला करके यदि आप डीसी या एसी चेक करें तो इस स्थिति में भी मीटर ख़राब हो सकता है। तो जब भी डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करें तो थोड़ा सा इस संबंध में सावधानी आपको रखना होगा। तो चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ। मुझे अभी एसी चेक करना है तो पहले हम इसका देखिए इसका जो पॉइंट बना है ना उसको मैं ज़रा इस तरफ घुमा देता हूँ कि ये घुमा दिया और ये देखिए वी लिखा है और इस पर एक अल्टरनेट करंट का सिंबल है, इसी से पता चलता है कि एसी चेक करने का ये रेंज है। और इधर जो है आपका इस पर जो करंट है वह डायरेक्ट ऐसे दिया हुआ है यानी कि डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, तो इस रेंज में आपको चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एसी चेक करके दिखाता हूँ। और एसी मुझे चूँकि 200 वोल्ट से ऊपर आएगा इसलिए इसको 750 वोल्ट पे ही रखना है। तो चलिए मैं अभी ये ऑफ है इस बोर्ड का पावर को मैं ऑन कर लेता हूँ और मैं इसमें लगाता हूँ। ये आपका ये सही से अंदर इंसर्ट नहीं हुआ, अभी देखते हैं कितना है। ये है अभी आपका 231-32 वोल्ट दिखला रहा है। तो ये एसी चेक हो गया। अब आपको मान लीजिए डीसी चेक करना है, अब इसको ऑफ के रेंज में ले आए और फिर चूँकि हम जो एसएमपीएस का इसका डीसी चेक करेंगे वो 20 वोल्ट से ऊपर होगा तो मैं इसको 200 के रेंज पर मैं लाता हूँ। ये 1000 वोल्ट के रेंज पर है और ये हो गया 200 वोल्ट के रेंज पर। अब जो है इसके कॉर्ड को इसमें मैं लगाया एसएमपीएस का कॉर्ड और इसका स्विच मैं ऑन कर लेता हूँ और मैं अब देखता हूँ कि इससे कितना सप्लाई हो रहा है, कितना वोल्ट डीसी ये सप्लाई कर रहा है, मैं उसको चेक करता हूँ। ये आपका दिखा रहा है 27.0 कभी 1 दिखा रहा है, एक्यूरेट नहीं दिखला रहा है। तो थोड़ा बहुत एक्यूरेसी में अंतर आ सकता है तो उससे मतलब नहीं है, लगभग ये 24 वोल्ट डीसी दिखला रहा है। तो इस ढंग से आपको इसको डीसी का वोल्ट का सप्लाई चेक करना है। और जब यदि आपको कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो ये जो सिंबल है इस सिंबल आपको लाना होगा। तो इसको मैं लाता हूँ इस डायरेक्शन में। देखिए ये जो पॉइंट बना है मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने का जो है सिंबल उस पर मैं ला दिया। और अब मैं मेरे पास एक वायर है, इसको हम चेक करते हैं कि वायर सही है कि नहीं। तो इसके लिए इसको मैं इसमें से हटा देता हूँ और एक वायर का इस छोर को मैं इस टेस्ट लीड से हटाता हूँ। देखिए ये बिप बिप का आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वायर बिल्कुल सही है। तो इस ढंग से आप डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करेंगे। और इस वीडियो में मुझे इतना ही बतलाना था। आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।